क्योंकि मैम सबसे पहले आपने जिस तरह से एक्टिंग की, आपने वन टेक में आपने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की, आपने उस शॉट के बारे में थोड़ा अगर आप कुछ बता सके, बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग वन टेक ऑली. I mean, it's normal to do one take. I think when you enjoy your work, it comes naturally. That's one thing. And when you're serious about your work, again, it comes naturally. okay, scene aisa hai, I don't know which scenes we're talking about. So the scene is, there are few scenes jo hum shoot kar rahe hain, Nikhil, mere aur Faisi ke saath, jahan hum, you know, we are very... happy we've come out together, or you know, Faisi aur mere beech build up shuru ho raha of love and romance. Though I already know that he likes me, and hum Nikhil ko leke bahar aaye exhibition mein, and Nikhil suddenly gets lost. That's when I'm frantically looking for my son, and I'm panicking, and I'm looking around, and I'm teary eyed, and I feel terrible that I don't know where he is, because I have no idea that Abhay is, you know, behind this. So this is the scene we are shooting. अभी हम जो कर रहे थे. बहुत ही बेहतर, मतलब एक shot करना, मतलब जब आपके बच्चे lost होती है तो आप उस तरह से लोगों चिल्लाती है, उस मतलब थोड़ा सा अगर आप बताएं तो मतलब. मैं निखिल के लिए जो feel करती हूँ, सच में feel करती हूँ. मतलब I really love him and everybody can see it. I really love him. So everything comes very naturally. Yeah. लेकिन क्योंकि हम इस सेट पे इतने वक्त से शूट कर रहे हैं, शुरू से हम एक एक दूसरे को जानते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छी हैं, एक साथ काम करें, तो इट एवरीथिंग हैपेंस वेरी नेचुरली. लाइक कट टू, इफ आई एम गोइंग टू अ न्यू सेट, आई माइट हैव टू प्रिपेयर थिंग, बट यहाँ बहुत स्पॉन्टेनियसली होता है, वेदर इट्स एंगर, क्राइंग, लाफ्टर, लव और एनी नॉर्मल एवरेज सीन. बट वो बिकॉज वी आर सो यूज टू ईच अदर, हम इतने कम्फर्टेबल हैं इन द कैरेक्टर एंड केमिस्ट्री विद ईच अदर, कि वो नेचुरली निकल के आ जाता है इन वन टेक. यू नो, वन डजंट रियली हैव टू थिंक सो मच. आपके फैंस इतना प्यार आपको देते हैं सोशल मीडिया में, उस पर आप क्या कहना चाहिए, आपके कैरेक्टर को, आपकी जो केमिस्ट्री दिख रही है उस पर आप क्या कहना चाहिए फैंस? थैंक यू सो मच दैट यू गाइज आर लाइकिंग अस, एंड आई एम जस्ट grateful to you all. Yeah. जितनी आपकी इंग्लिश अच्छी है, उतनी आपकी हिंदी भी काफी साफ है. बहुत अच्छी है. तो उस पर ये किस तरह से आप काम करते हैं, मतलब थोड़ा सा अगर आप बता सकें. एक्चुअली डिक्शन पे काम करना होता है जब हम थिएटर करते हैं, और फिर हम आपने थिएटर भी किया है? थिएटर भी किया मैंने दिल्ली से, पेरूस ट्रू, एंड जब हम वहाँ पे हम डिक्शन पे थोड़ा काम करते हैं. बट जब मैं टेलीविजन में आई थी तो मुझे मालूम है मुझे बहुत लिस्पिंग की प्रॉब्लम थी, तो मुझे उस पर काम करना पड़ा था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. लेकिन बोल बोल के यू नो, विद सो मच एक्सपीरियंस, आपकी डिक्शन ठीक हो जाती है, क्लैरिटी ठीक हो जाती है, आपकी हिंदी डेफिनेटली ठीक हो जाती है. मुझे मालूम है कि जब मैं मुझे याद है जब मैं दिल्ली से बॉम्बे आई थी, तो माई फ्रेंड वॉज टेलिंग मी, हाउ कम यू स्टार्टेड टॉकिंग इन अ लॉट इन हिंदी नाउ, बिकॉज मैं मतलब जब हम कॉलेज में थे तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, और जब मैं बॉम्बे आई तो हिंदी बहुत इस्तेमाल करने लगी. मैंने कहा बिकॉज आई थिंक आई एम डूइंग टेलीविजन शोज जहाँ इतनी हिंदी बोली जाती है, तो दैट वॉज अ चेंज आई सॉ कि हाँ. तो बेसिकली ऑब्वियसली द लैंग्वेज बिकम्स बेटर बिकॉज ये आपका रोज का काम बन जाता है. आगे की क्या प्लानिंग है मैम? शो तो आप बहुत बेहतरीन कर रहे, क्या कोई रियलिटी शो आप करना पसंद करेंगे आने वाले दिनों में? आई डोंट नो, लेट्स सी. जो जल्द से जल्द आप कोई रियलिटी शो में कब आ, ये भी बता दीजिए. आई हैव नो आइडिया इफ एनीबडी इज गोइंग टू कॉल मी आल्सो इन अ रियलिटी शो और नॉट. ऑनेस्टली आई डोंट नो, एंड आई डोंट प्लान माई लाइफ, सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट मोमेंट. मैं बहुत इंपल्सिव हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सोच के नहीं करती.